आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो फाइंड इट्स साइड। हमें इसकी साइड्स भी फाइंड करनी है और डायगोनल्स 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर को। सो ले लेते हैं, हमारी जो साइड्स होंगी वो कितनी होंगी, ए बी सी डी। रोम्बस जो फॉर्म होगा वो ए बी सी डी फॉर्म होगा। ओके, सो ए बी मान लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर। ओके, इसी ले लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी ड्रॉ कर लेते हैं, कितना 6 सेंटीमीटर का। सो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर ए बी। नाउ एक सेकेंड पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, कहीं पर भी हाफ से थोड़ा ज्यादा, दैट मीन्स यहाँ पर ऐसे एक आर्क ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली नीचे भी सी डी पॉइंट फाइंड करने के लिए, और ए को सेंटर रख के इसी आर्क को कट करते हैं। जिस भी पॉइंट पे ये कट करेंगे उन्हें हम ज्वाइन करेंगे यहाँ से, सॉरी। सो ये मिला हमें पॉइंट सेंटर। ओके, ना यहाँ हो जाएगा हमारा पॉइंट सी, यहाँ हो जाएगा हमारा पॉइंट डी। ना हमें दे रखा है अगला जो डायगोनल है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर का। सो 8 सेंटीमीटर, अगर सी और डी 8 सेंटीमीटर होंगे तो सी डी के हाफ में से यहाँ से लाइन जा रही है, दैट मीन्स आधा ऊपर होगा और आधा नीचे। तो 8 को अगर ये दो पार्ट्स में हो जाएंगे तो 8 को डिवाइड करेंगे अगर 2 से तो कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स पॉइंट जो सेंटर है हमारा, वहां से सी की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे सेंटर पे रख के एक यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे और सिमिलरली इतनी डिस्टेंस पे एक यहाँ पे आर्क लगाएंगे। तो ये मिले हमें पॉइंट सी और टी, इन्हें ज्वाइन करवा देंगे हम ए बी सी डी पूरा, ए से डी, यहाँ से बी और ये बी सी। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। नाउ इनकी नेमिंग हम कर देते हैं, ये जो ए बी लिया हुआ है इसको हम कर देते हैं यहाँ से ए सी, और इसे कर देंगे हम बी, और इस पॉइंट को कर देंगे डी। तो ये जो हमने सबसे फर्स्ट लिया था सी का, तो इसको कर देंगे ए सी, और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी। ओके, नाउ ये कितना था, इसकी डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, इसकी 8 सेंटीमीटर टोटल, 8 सेंटीमीटर ओवरऑल। नाउ साइड्स देख लेते हैं कितनी आई है, ये 5, तो ये आ रही है 5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि रोम्बस में हमारी ऑल साइड्स जो रहती है, चारों साइड्स इक्वली ही होती हैं। तो इसको भी अगर हम देखें तो ये भी कितनी होगी, मेजर करें तो भी ये 5 सेंटीमीटर ही है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, बिकॉज हमारे रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, सो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।